देव कहते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बैक टू जर्नी में। कुरुक्षेत्र की सीरीज की शुरुआत करने से पहले दोस्तों अभी मैं हाल ही में श्री रावतपुरा सरकार गया था घूमने के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट भिंड में ही पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक ब्लॉग डाल दिया जाए, उसके बाद कुरुक्षेत्र की सीरीज शुरू की जाए। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है हमारे पीछे, ये पार्किंग निःशुल्क है और काफ़ी बड़ी पार्किंग है। जैसे कि अभी मैंने आपको पार्किंग दिखाई, इसके साथ ही मैं यहाँ पर कैंटीन वगैरह बनी हुई है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, और भी अगर आपको कोई नाश्ता वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ बैठ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बुक स्टॉल वगैरह भी बने हुए हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने हैं तो वो भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं। पूजा प्रारंभ हो गई है। जैसे कि आपको यहाँ पर सामने प्राइस लिखे नजर आ रहे हैं, हम चार लोगों ने अभी यहाँ से एक एक डब्बे वनस्पति लड्डू के लिए प्रसाद में चढ़ाने के लिए। पर्ची कटवा लो भाई, पर्ची भी कटती है, काट दी हुई है पर्ची, चार चार जगह कर दो। कैंटीन के सामने मंदिर परिसर का एंट्री गेट है, चलते अंदर। तो दोस्तों मंदिर के परिसर में एंट्री लेते हुए चारों लोग बिहारी बगल में, सबसे पहले अपन को श्री गणेश जी के दर्शन हुए। जो देव के देव कहते हैं। वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पहली बार GoPro से बना रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा अंदाजा नहीं है। आपको पता ही है अभी हाल ही में GoPro मंगाया अपन ने। दोस्तों अब मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ। श्री रावतपुरा सरकार धाम भारत के मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है और साथ ही साथ यह पहुज और सोनमृगा नदियों के बीच स्थित है। मुख्यतः यहाँ पर सबसे पुराना हनुमान जी का मंदिर है और साथ में ही यहाँ पर राम दरबार भी है। एक बहुत ही बड़ी सी महादेव की प्रतिमा के साथ साथ आपको यहाँ पर 108 शिवलिंग के भी दर्शन होंगे और साथ में कुछ छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप जितने बार भी यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, हो सकता है आपको एक नई चीज यहाँ पर देखने के लिए मिले। जो तन पर भस्म रमाते हैं, जो देवों के देव कहते हैं, जो तन पर भस्म रमाते हैं, वो महायोगी वो खड़दानी कौन है। जिसके मस्तक पे चंदा है और जटा से बहती गंगा है, जिसके मस्तक पे चंदा है और जटा से बहती गंगा है, वो अविनाशी वो मरघटवासी कौन है। जय सोमनाथ, जय बद्रीनाथ, जय भूतनाथ, केदारनाथ, जय चंद्रमौली, जय नीलकंठ, जय जय रुंडमाला धारी की। बोल बम बम, बोल बम बम, बोल बम 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 भोले। बोल बम बम, बोल बम बम, बोल बम 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 भोले। सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी मंदिर की, जो कि सुबह 7:30 बजे खुलता है प्रातःकालीन आरती के लिए। इसके बाद राजभोग के लिए इसके पट 11:30 बजे बंद किए जाते हैं। इसके बाद करीब 12 बजे के आसपास इसके पट दोबारा से खोले जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, जब राम दरबार में आरती होती है। और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इसके पट दोबारा से खोल दिए जाते हैं। 6:30 बजे यहाँ पर संध्या आरती होती है। 7:30 बजे राजभोग के लिए दोबारा से पट बंद किए जाते हैं और 8 बजे के बाद आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यही टाइमिंग दोस्तों राम दरबार के लिए भी लिखी हुई है। राम राजा सरकार की जय। रावतपुरा सरकार की जय। सिया राम जय, सिया राम जय, सिया राम जय, सिया राम जय।
अधूरा खाते हैं, जग हित में विष पी जाते हैं। जो भांग धतूरा खाते हैं, जग हित में विष पी जाते हैं, वो नीलकंठ भोजन हितकारी कौन है? जय आशुतोष, जय शिव शंकर, जय जय नटराज, जय भयंकर, जय उमापति, जय शिवापति, जय जय हो संकट हारी की। बोल बम बम, बोल बम बम, बोल बम 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 भोले। बोल बम बम, बोल बम बम, बोल बम 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 भोले। जय विघ्नेश्वर, जय दूधेश्वर, जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, जय गौरी शंकर मणि महेश, जय जय हो त्रिनेत्रधारी की। जय रुद्रनाथ, जय विश्वनाथ, जय बैजनाथ, जय अमरनाथ, जय भीलपति अवधूतपति, जय जय हो डमरूधारी की। जय जागेश्वर, जय नागेश्वर, जय भूतेश्वर, जय वृषेश्वर, जय शिवदानी, जय महदानी, जय जय हो चंद्रधारी की। जय अचलेश्वर, पातालेश्वर, जय मुक्तेश्वर, जय सर्वेश्वर, जय गीतपति, जय पशुपति, जय जय हो भव भयहारी। जय शिव भोला भंडारी की, जय शिव भोला भंडारी की, जय शिव भोला भंडारी की। तो भैया करीब 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पर मंदिर परिसर में पहुँचे और जल्दी जल्दी से हमने सबसे पहले राम दरबार में आए और करीब 12 बजे यहाँ पर आरती शुरू हुई और हम लोगों को पट खुले हुए मिल गए। मतलब हम जब पहुँचे तब यहाँ पर पट खुले थे आरती के लिए और हम लोगों ने दर्शन किए, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए और इसके बाद अब ये लोग तो पाठ कर रहे हैं, मतलब हिमांशु और मुकेश तो पाठ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा तब तक कुछ वीडियोज़ वगैरह शूट कर ली जाए यहाँ की और कुछ मतलब वैसे घूम लिया जाए क्या क्या है यहाँ पर, है कौन कौन सी मतलब आसपास की जगह है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, काफ़ी भव्य मंदिर परिसर है, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर आसपास थोड़ा बहुत घूम लिया जाए। तो मैं और चाचा यहाँ पर बैठे हुए हैं मंदिर परिसर के अंदर, जो यहाँ पर मुख्य गेट बना हुआ है, अभी हाल ही में यहाँ पर नवग्रह की स्थापना भी की गई है। दर्शन करने के बाद हमें दोस्तों पता चला कि यहाँ पर भोजन करने की व्यवस्था बनी हुई है जिसके लिए आपको 30 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ती है, तो हमने सोचा क्यों ना भोजन का भी आनंद लिया जाए, जिसके लिए परिसर में यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन करने के बाद दोस्तों हम लोग आ गए आस्था मंच।
तो दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैं अभी यहाँ पर आस्था भवन में आया हुआ हूँ। जितने भी हमारे भारत के महान संत और गुरु वगैरह हुए हैं उनका यहाँ पर जीवन परिचय लिखा हुआ है। आस्था मंच के बाहर ही एक ओपन जिम बनी हुई है जैसी आपको नज़र आ रही है। आए हो गए एक्सरसाइज करने का जो? अरे आया कहाँ से आए? ये यहाँ पर पास में ही गौरीकुंड भी बना हुआ है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में इतना ही था। मंदिर की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, चाहे तो आप गूगल पे इस पर सर्च करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।